दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए सब्रो में। आप सभी ने इस वाली कंट्रोलर की पैटर्न को देख चुके होंगे और मैंने भी देख रखा है। इसका पैटर्न का जो स्टाइल है, जो स्ट्रक्चर है, वो बाकी जो कंट्रोलर होते हैं उसके से बहुत अलग है, बहुत अच्छा भी है। और उसके साथ मैंने भी आपको दिखाया था, ये छोटी वाली कंट्रोलर है जो कि मैंने बताया था कि इसको भी हम यूज करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या हमको इस वाली जो छोटी छोटी आईसी है इसमें कुछ अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं, क्या इस वाली कंट्रोलर के सेम टू सेम पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस वाली जो कंट्रोलर है उसमें हम वायरिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको एलईडी पिक्सल को जला के देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर में पैटर्न को फिट किया गया है और इस तरह से क्या क्या हमको इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्या करना होगा, हमको चाहिए 3 कलर का वायर चाहिए इसमें, जो कि हमारा यहाँ पे ग्राउंड के लिए ब्लैक रहेगा, डाटा के लिए ग्रीन रहेगा और पावर सप्लाई के लिए आप रेड भी ले सकते हैं या कुछ अलग वायर भी आपके पास है अवेलेबल तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये तोड़ने से क्या होगा, छोटी छोटी है तो कहीं पे भी गुम हो जाएगा, तो इससे ही लगी लगा ही हम इसमें यूज करेंगे। बस इसमें जो प्रिंट दी गई है उसमें सोल्डरिंग करेंगे और पावर सप्लाई इसमें इनपुट करेंगे। तो पावर सप्लाई इनपुट के लिए आपको सबसे बेहतर है मोबाइल का जो चार्जर होते हैं वो आपका बहुत बेहतर होते हैं, 1 एम्पियर से ज्यादा ही लीजिए। और 1 एम्पियर लेंगे तो लगभग काम कर लेगा, 1 एम्पियर से ज्यादा ही लीजिए, 1.5 लीजिए, 2 एम्पियर भी ले सकते हैं, 3 अगर आपके पास अवेलेबल है तो और भी अच्छा बेटर है। आपको ये भी चेक करना होगा आपका चार्जर बहुत ज्यादा पुराना ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा पुराना होगा उसमें आपका जो वोल्टेज जो आउटपुट है वो बढ़ता रहता है, मिली एम्पियर में बढ़ता रहता है। 5 वोल्ट से जगह पे आपको 5.5 मिलेंगे, या कभी कभार किस किस चार्जर में दिखाऊं कि 6 वोल्ट तक भी मिलते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा डेंजर साबित हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको डायोड की इस्तेमाल करने से आपका हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से एक चार्जर लेते हैं और इसमें वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वायर आ चुका है, ये रेड है पॉजिटिव के लिए है, ब्लैक नेगेटिव के लिए, और यहाँ पे हरे की जगह पे मैं येलो वायर इस्तेमाल करूंगा। वायर जो भी हो आपको सिर्फ पहचाननी है कौन सी वायर में कौन सा चीज आपका जा रहा है। उसके बाद ये पिक्सल का है, ये इनपुट है और इसमें पावर सप्लाई जाता है इसमें, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट इसमें पावर सप्लाई दे दूंगा इसमें, और उसके बाद इसमें इनपुट के लिए सिर्फ डाटा का वायर को यहाँ से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, कट नहीं करूंगा, इसके अंदर मैं डाटा का वायर को इंसर्ट कर दूंगा जो कि येलो कलर की वायर है। ठीक है, उसके बाद पावर सप्लाई के लिए आप इसमें जो पावर देंगे वो एक मोबाइल एडाप्टर भी हो सकते हैं या किसी पावर बैंक भी हो सकते हैं। पावर बैंक में भी आपको 5 वोल्ट आपको मिल जाता है आपके पास जो अवेलेबल है। ये जो रेड दिख रही है आपको ये पॉजिटिव रहती है, व्हाइट इसका नेगेटिव रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम पड़े तो यहाँ पे सब विजिबल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रेड वायर है वो रेड वायर के साथ यहाँ पे सोल्डर हुआ है और बीच में डाटा का लिए कुछ भी सोल्डर नहीं हुआ है, व्हाइट कलर की वायर है, व्हाइट कलर में ये व्हाइट कलर की वायर सोल्डर हुआ है। ठीक है, तो आप इसी से पता कर सकते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो चलिए हम इसमें सोल्डर करते हैं, आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले ग्राउंड है, ठीक है, उसके बाद डाटा है, उसके बाद पॉजिटिव है। तो आप कन्फ्यूजन मत होइए, आराम से यहाँ पे मार्किंग की गई है। सबसे पहले तो सोल्डर कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी करके, ये मैंने सोल्डर कर दिया, ये सोल्डर कर दिया। ये हमारा येलो डाटा की है, तो इसकी कनेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये सिंगल ही सोल्डर होने वाला है। ये डाटा का आउटपुट ये सोल्डर हो गया है, पॉजिटिव के लिए हमारा इधर तरफ है और इसकी भी पॉजिटिव, हम एक ही साथ में इसको सोल्डर कर देंगे, दोनों का पॉजिटिव एक साथ सोल्डर। ये सोल्डर हो चुके हैं पॉजिटिव, इधर तरफ हमारा पॉजिटिव है, ये सोल्डर हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, नेगेटिव बचा हुआ है, नेगेटिव को हम सोल्डर करेंगे। तो कितनी अच्छी तरह से सोल्डर हो चुके हैं हमारा, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये हमारा पिक्सल है, ये पावर सप्लाई है, ये कंट्रोलर है, सब वायर आपके सामने है। तो ये आप देखिए दोस्तों, नेगेटिव गया है, पिक्सल के नेगेटिव के साथ जुड़ चुका है, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव वायर के साथ पिक्सल में चल चुका है। अगर आप इस वाली वायर से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं, रेड एंड व्हाइट कलर का वायर से आपको सप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डाटा का इनपुट करवा सकते हैं। तो ये डाटा के लिए ये वायर मैंने किया हूँ इस तरह से, थोड़ी सी लंबी सोल्डर किया हूँ, इसको हम बीच में ही इसके अंदर में इंसर्ट कर देंगे और ये डाटा का कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये डाटा चला गया इसके अंदर में, ग्रीन कलर की वायर में डाटा चला गया है। तो दोस्तों, मेरे को ये चार्जर मिला है, ये भी 5 वोल्ट आउटपुट का था, लेकिन इसके जो आउटपुट का एम्पियर है ये इसमें शो नहीं है, ये सस्ता सुंदर वाला टिकाऊ वाला चार्जर है। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसकी प्लस माइनस में हम अपना प्लस माइनस को एड करके देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, प्लस और ये माइनस, तो 5.8485 की वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट हो रही है, तो मिली वोल्ट में ये आउटपुट होते हैं। 84 जो दिखा रहा था वो मिली वोल्ट था, तो थोड़ी सी हाई था, तो इसको हम इस तरह से प्लस के साथ प्लस कनेक्ट करते हैं, माइनस के साथ माइनस कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, पिक्सल हमारा चालू हो चुका है, पैटर्न आपका चलने लग चुका है। तो ये देखिए, और आपको लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कैसा इसका इफेक्ट है। आपको लाइट ऑफ करता हूँ, तो ये देखिए इसकी लाइटी का इफेक्ट, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये चल रहा है आपका पैटर्न। ठीक है,
इसकी जो पैटर्न है सेम टू सेम हमारा जो कंट्रोलर बॉक्स था उसी के हिसाब से पूरी सेम पैटर्न है, कोई भी अलग पैटर्न इसमें नहीं चल रहा है, सेम ही चल रहा है। तो मैं आपको इसको खोल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें आपका ज्यादा एम्पियर चाहिए तो उसके लिए आपको चार्जर या अडेप्टर आपका बहुत ज्यादा एम्पियर होना चाहिए, 2 से 2.5 एम्पियर एक पिक्सल लाइट के लिए जरूरी है। अगर आप 2 लगाते हैं 100 करते हैं तो आपके लिए 5 एम्पियर मिनिमम चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 एम्पियर। जब 5 एम्पियर देंगे तो आपकी लाइट की इफेक्ट बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी और निखर के आएगी, ठीक है। तो चलिए इस वाली झालर का हम नीचे फिला देते हैं, उसके बाद इसकी जो इफेक्ट है आपको दिखाते हैं। सेम ही सेम है, बस आप एक बार झलक देख लीजिए इसका। तो दोस्तों पिक्सल को मैं इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से फैला दिया हूँ। इसका जो पावर एडाप्टर है उसमें हम पावर देंगे, पावर देते ही ये हमारा चालू हो जाएगा। ये मैंने कनेक्ट किया, चालू किया और ये हमारा पिक्सल चालू हो चुके हैं कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और लाइट ऑफ करता हूँ तो ये देखिए। दोस्तों आप वायरिंग समझ चुके होंगे किस तरह से वायरिंग करना है। सिंपल वायरिंग है दोस्तों, 5 वोल्ट में 5 वोल्ट देना है, ग्राउंड में ग्राउंड देना है और डाटा में आपको डाटा आउटपुट करके इस तरह से इसकी इंसर्ट कर देनी है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये डाटा का जो है ग्रीन कलर की वायर उसमें कनेक्टेड है और बाकी किसमें भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी जो 5 वोल्ट ग्राउंड के साथ मैंने सप्लाई ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये आईसी चल रही है इस तरह से, हमारा ये 4 जो आईसी है ये भी इस तरह से सेम पैटर्न में बना हुआ है, आप इसमें कट करके यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट ही पीसीबी में लगा ही चेक कर दिया, क्योंकि अगर इसको एक को तोड़ देता तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे गुम हो जाता, जब मेरा जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको निकाल के यूज कर सकता हूँ, किसी में लगा सकता हूँ। आप हमेशा अपना जो एडाप्टर है उसका एम्पियर आप 2 एम्पियर से ऊपर रखें, 1.5 से 2 एम्पियर रखें। आपको ये जो आउटपुट आपको दिख रहा होगा बीच में देखा कि जब व्हाइट चल रहा था तो उसमें प्योर व्हाइट यहाँ पे इतना कुछ पार्ट तक नहीं शो हो रहा था, ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा अगर आप एम्पियर बढ़ा देंगे। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल में जरूर सेट कीजिएगा, इस तरह से नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, इस तरह की पिक्सल एलईडी का मजा लेते रहिए।